उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे और यहां उन्होंने हनुमान गढ़ी और रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने सरयू तट पर सरयू नदी का पूजन भी किया। इसके बाद उन्होंने राम की पौड़ी का निरीक्षण किया। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। इससे पहले साल 2002 में मुख्यमंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने अयोध्या जाकर दर्शन किया था। इसके बाद से कोई भी मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह यात्रा भले ही फैजाबाद मंडल की कानून व्यवस्था और विकास की समीक्षा के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव की वजह से तय हुआ हो, लेकिन इस यात्रा के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसका संबंध भविष्य में योगी की चुनावी यात्रा से जुड़ा हो सकता है। गोरक्षपीठ के बाद मुख्यमंत्री योगी रामलला की जन्मस्थली को अपनी कर्मभूमि बना सकते हैं। दरअसल वे अभी सांसद हैं और उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य होना होगा। लिहाजा अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव भी लड़ सकते हैं।